कोई बात नहीं, कुछ चुनाव की तैयारी कर रहे थे? नहीं 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 साहब, डीसी हम लोग के पास बच्चे लेने, ये डेथ सर्टिफिकेट लेने गए, हम लोग लेने आया था वो। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसी माहिम के इलाके में रहते हैं जी? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है माहिम? चुनाव का माहौल तो गर्म है, अमित ठाकरे और अपना दूसरा है सदा सावंकर, उन लोग का है चल रहा है। और ये जो महेश सावंत हाँ, तीन जन का हॉट सीट है अभी माहिम तो। ये तो बहुत हॉट सीट है, हॉट सीट है, बहुत हॉट सीट है। और राज ठाकरे के बेटे के लड़ने वही तो और हॉट हो गया, एकदम मजबूत हो गया वो। तो क्या राज ठाकरे के बेटा मजबूत लग रहे हैं या उद्धव वाली लग रही है या शिंदे वाली शिवसेना? बराबर की साहब, अभी वही एकदम एकदम बराबर ही क्या है, उन लोग कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई बोलने के ये नहीं है, ऐसा है अभी तो सब बराबर है, एकदम बराबर ही चल रहा है। अभी आगे देखो इलेक्शन में मालूम पड़े। और पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो अपनी इतना थोड़ी आइडिया, इतना आइडिया नहीं है। सरकार किसकी, ये बीजेपी और शिंदे जी की बन रही है? नहीं नहीं इतना तो नहीं हुआ, इतना आइडिया नहीं है। ये जो देखो लड़की बहना का पैसा मिल रहा, वो अच्छी बात है सब, उससे और ज्यादा आप तो कह रहे हैं 1500 से 2100 कर देंगे, बहुत अच्छी बात है ना पब्लिक के लिए। मायावती वाले तो 3000 देंगे बोल रहे, मायावती वाले तो बोल रहे हम लोग आएंगे तो 3000 देंगे। अगाड़ी वाले हाँ, कांग्रेस और ये क्या मसला, क्या बन पा रहा है कुछ? ये तो क्या मसला, क्या ये पैसा देने से क्या होगा, रोजगार देना चाहिए, काम देना चाहिए, इसे क्या फ्री दे के सबको, तो आदत खराब हो रही है सबकी। चलिए जरा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, यहाँ पर है थोड़ा चर्चा करते हैं कोलीवाड़ा में। ये स्कूटर में बज रहा गाना फिर? हाँ स्कूटर पे ही बज रहे आपका? हाँ ये स्पीकर जो लटका हुआ है? हाँ लटका हुआ, जेबीएल का स्पीकर है, जेबीएल का स्पीकर है, इसमें माइंड फ्रेश। मैंने देखे जिंदगी में, आपने भी नहीं देखा होगा स्पीकर। मैंने सोचा कोई गाड़ी वाले में, किसी कार में या किसी शॉप में बचे, तो ये स्कूटर में लटका के बजाने का उसको खड़ी करके क्या मतलब? खड़ा मतलब ना माइंड आपका फ्रेश रहता है, आप डिप्रेशन में रहे तो गाना सुनने से आपका माइंड एक इन्वॉल्व रहता है ना, तो क्या होता है आप सोच अकेले बैठते हो तो आप सोचते कि नहीं खाली पेट, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो आप बिना गाने के कभी नहीं रहते? नहीं, मूड फ्रेश, माइंड हंसते रहो। सोते वक्त भी गाना सुन, टीवी चालू रहेगा तभी सोएगा, गाना लगा के ही सोना है तो नींद नहीं है, सवाल यही है। आप कैसे हंसे अभी गाने के ऊपर? हंसी जरूरी है, हंसी बिकता है। तो कौन गाने में कोई खास पसंद? गाने में कुछ ऐसे ना, पुराने गाने अपने दिल से जुना गाना अपने दिल को छू जाता है, माइंड फ्रेश रहो। दिल से बड़ी बात क्या है, हंसी पैसे से मिलती नहीं है, आप दुख तो खरीद सकते लेकिन हंसी किसी खरीद सकते हो नहीं है, हंसी तो अंदर से आती है। तो अंदर से आने के लिए क्या चाहिए आपको, अंदर की फीलिंग खुशी तभी हंसी आना है। तो आपका नाम क्या है? सुभाष, गाड़ी चलाते ड्राइवर हूँ। रहते कहाँ? मायम फिशर में कॉलोनी। मायम फिशर में कॉलोनी 6 नंबर, कोलीवाड़ा। यही के रहने वाले? यही के रहने वाले। मैं तो आया हूँ इधर थोड़ा कोलीवाड़ा में माहिम में पता करने चुनाव का माहौल क्या है। चुनाव तो वही चलने वाला ही है, आना जाना सबका ही मिली भगत, दूसरा कुछ है ही नहीं है चुनाव में। हमको ये बताइए आपकी यहाँ पे 3 सेना लड़ रही है, मनसे, शिवसेना उद्धव, शिवसेना सिंध, आपके हिसाब से लड़ाई किसके किसके में? किसमें मतलब क्या हो, तो वो अंदर बैठे बैठे ही सब कर लेते, अपनों को खाली पब्लिक में भिड़ना है। आप शिवसेना गए, मैं मन से, आपस में लड़ो, अंदर की फीलिंग अलग रहती है, जैसा ताश है बंद ताश में बोल नहीं सकते का किसके पास है। आज चले यार चुनाव लड़ रहे हैं आमने सामने, आप कह रहे हो मिले हुए, वही खाना किधर खाते हो, एक ही होटल में ताज भी जाते ना सब, चुनाव लड़ने के लिए रे। आप देखो आप न्यूज करते हो, आप चारों जाते आदमी न्यूज चैनल के लिए, तो दो ही आपको नहीं फीलिंग है, एक स्टार न्यूज में 4 एडिटर रहते हैं, उसमें से चारों को अलग अलग न्यूज रहते कि नहीं, लेकिन जाता किधर एक ही न्यूज में, आपका न्यूज में सवाल, 4 को लड़ो आप तो न्यूज के लिए, लेकिन आना मेरे पास ही है चारों को,
फीलिंग हुई है। तो सरकार किसकी आएगी? वो तो सोचने वाली उन लोग की है, खाली अपनों को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ अमित ठाकरे मजबूत है, सदा सरवणकर मजबूत है कि महेश सावंत? आप ही सोचो, आप ही है। सदा सरवणकर साहब तो पहले से काम करके आते है, अमित साहब तो अभी भी आया है। उन लोग सोचना ही है कि किसका लड़का हो, राज ठाकरे राज साहब का ही है। तो जरूरी है बेटे के तो इज्जत करना जरूरी है कि मेरा बेटा आ रहा है तो उसकी तो थोड़ी फीलिंग करना ही आपको। राज ठाकरे का है इधर प्रभाव? हाँ है, वैसा तो है ही है, किसी को ना नहीं कोई बोल सकता है। तुम बताओ यार, क्या मामला बन रहा है यहाँ चुनाव का? इधर मामला बहुत अच्छा चल रहा है। किसका? ये पक्षे विक्षे का, पप्स का। अरे अमित ठाकरे राज सर वो अमित शिंदे, सदा सरवणकर आणि बीजेपी, महेश सावंत। किसका लग रहा है? मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। बीजेपी से हो? हाँ। क्या बात है। लेकिन बीजेपी तो कभी कहती है कि राज ठाकरे के बेटे को सपोर्ट करेंगे, कभी कहती नहीं करेंगे। करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए उन लोग को। आप बीजेपी को तो शिंदे पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी उनके साथ है। करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो आप तो उनको नहीं कर रहे? हाँ, आप किसको कर रहे? बीजेपी को, अपने शिंदे को, अपने मनसे को, राज ठाकरे को। ये तो बीजेपी में हो के उनको क्यों कर रहे, शिंदे को क्यों नहीं? दोनों एक साथ हो गए ना अभी, दोनों शिंदे वही शिंदेगढ़ एक साथ हो गए। ले बड़ा मुश्किल। आप कहाँ रहते हो? हम यूपी के सर जी, यहाँ की कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं जानता हूँ कि सरकार शिंदे साहब का है, पर ये कौन पार्टी को से लड़ी वो नहीं मालूम। चलो ठीक है, तुमको तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं, चलते फिरते मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। ये देखे कोलीवाड़ा का इलाका, समंदर के किनारे के जो इलाके हैं। अंकल एक मिनट रुकिए, कहाँ रहते हो आप? इधर नहीं रहते, थाना में। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मुंबई में मैं एक शाखा के, इसको शाखा बोलते हैं, शिवसेना का पहले एक ही जगह शाखा जगह जगह पे होती थी। मैंने आपको कहा कि बाला साहब ठाकरे के ज़माने में माहिम के इलाके में शिवसेना का पूरा दबदबा हुआ करता था। जब मनसे अलग टूट के बनी तो मनसे के विधायक यहाँ पर बने एक बार, उसके बाद फिर से शिवसेना के विधायक। लेकिन जब शिंदे अलग हुए तो इस इलाके के जो विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। अब मैं जरा शाखा कार्यालय पर जो शिवसेना उद्धव गुट की है वहाँ पर बैठा हूँ। हालांकि ये जब अविभाजित शिवसेना थी तब का ये कार्यालय, और ये अभी उद्धव के ही कब्जे में है, उद्धव गुट के। हाँ जी बताएं, क्या नाम है आपका? सुनील जगन्नाथ मेहर। मेहर 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 एम एच ई आर। काय झाला? ठीक चल रहे। किसका? हम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। वो तो लड़ाई में कह रहे नहीं है, नहीं। इस सीट पर अमित ठाकरे है और वो सदा सरवणकर जी विधायक जो है। नहीं, हमारा उम्मीदवार है महेश सावंत। वो छोटे में छोटे परिवार से बिलीव है वो, और सबसे दुख सुख में आते हो, सब घर में जाते हो। कभी फ़ोन करो आप, आधे रात को भी 12 बजे आप फ़ोन करो, तुरंत घर आपको मिलने का मिलेगा। वो उम्मीदवार ऐसा है, किसी का इधर भी जा सकते हैं। आपसे यहाँ लड़ाई में अमित ठाकरे हैं या सदा सरवणकर, किससे लड़ाई है? हमारी लड़ाई है सदा सरवणकर से। अमित ठाकरे नहीं? अमित ठाकरे है, पहली बार चुनाव लड़ रहे वो भी। लेकिन उनके जो विधायक 2009 में जीते थे सरदेसाई जी, वो तो उन्हीं के साथ चल रहे अभी। हाँ, लेकिन हमारा भी उम्मीदवार है अभी तगड़ा है, महेश सावंत। वो भी अच्छे है, आदमी लोग से सब मिलजुल के रहती है वो। क्या लग रहा है सरकार? सरकार हमारे आएगा, महा विकास आघाड़ी का ही, हमारा ही सरकार आएगा, महा विकास आघाड़ी का ही। सब तो बोल रहे हैं हमारा आएगा, हमारा आएगा, हमारा 101 तक। दोनों तरफ बागी खड़े, कुछ भी ऑन दे, लेकिन 101 तक का महा विकास आघाड़ी का है। आपने बात की इसका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे मिल के बात बहुत 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 बधाई आपको मिलने के बाद। शुक्रिया। चाय मिलेगी आप? चाय नहीं पीता हम।